हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाऊँ चंद्रा से। कल की वीडियो रात को आपने देखी होगी, किसने किसने ट्राई किया मुझे मालूम नहीं, लेकिन सच में कल रात को हमने एक वशीकरण का ऐसा पूरा जाप किया था जिससे कि आप सच में कोई, मैं आपको वश में नहीं कर रही थी, लेकिन ये था कि जब हम गुरु या पंडित कुछ बोलते हैं और जब आप हमारी आंखों में देखते हो तो उस वक्त आप हमारी आंखों में नहीं, शक्तियों की आंखों में देखते हैं ऐसे, क्योंकि शक्तियाँ हमारे साथ साक्षात रहती हैं। मेरी मंगल माता देखो हमेशा मेरे साथ रहती हैं, आप दिख रहे हैं आपको मेरा क्या। आज मैं कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि अभी कल मैंने तालों का काम कुछ ऐसा शुरू किया है कि जब मैं किसी लोगों के लिए कुछ अच्छा करने जाती हूँ तो कोई ना कोई अड़चन डालने को देखते हैं। नाचना है आंगन टेढ़ा, कोई बोलेंगे हमने इतना डाला उतना डाला, और बाद में पता चलता है कि ऐसे किसी बंदे ने पैसा डाला ही नहीं रहता है, लेकिन हम तो सच बोलते हैं, सच सबको बुरा लगता है। कल से मैंने तालों का काम ऐसा शुरू किया है कि जिसने भी, मैंने देख लिया किसने नाम खराब करने की कोशिश की है, तो जिसने भी इस तरह से नाम खराब करने की कोशिश की है, जिस तरह से ये गलत कमेंट करते हैं, उनको इस 16 तारीख तक जो उनके साथ होगा वो बहुत बड़ा और बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके चक्कर में जो बेचारे गरीब हैं, जिन लोगों को सच में अपनी ज़िंदगी बसानी रहती, वो आगे नहीं बढ़ते। कुछ लोग पूजा चालू करा के फिर हमें पागल में गिनती करते हैं, उन्हें ऐसा देखो उनको क्या लगता है कि चलो ना हमारा काम नहीं, हमको तुम्हारे पैसे मिलने ही वाले हैं, ऐसी बात है। तो कोई बात नहीं, तुम हमसे ले भी लोगे तो हमको, मैं अपने बात पे टिकी रहूंगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा पता है क्या? आज हमने कितने गरीबों के लिए चालू किया है कि कुछ पैसों की उनको, कितने लोगों पे लाखों करोड़ों का कर्जा है, 25-30 लाख का कर्जा है, वो है। तो अगर हमने एक सुल्तान जिन के जरिए अगर उनकी मदद करने को देखी तो भी कितने लोग अड़चन डाल रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? क्यों? क्योंकि आज उनकी रोजी रोटी बंद हो गई है ना। अभी मेरे घर से उनको डेली का पैसा जाता था, राशन का पैसा जाता था, बैठ के घर में हराम का सिर्फ मेकअप थोप के, 5 किलो मेकअप थोप के बैठना रहता था, पूजे पे माला जपते रहना रहता था, है ना, और अपनी अय्याशी रहती थी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे अच्छे घूमना, विद्या देवी के साथ ये यात्रा पे घूमना, वो यात्रा पे घूमना, बस यही रहता था ना। अब वो सब बंद हो गया है, तो हमारा बंद हो गया तो हम कैसे करने देंगे? क्या है ना, तुम लोगों का ना अब आखिरी समय आ चुका है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और मैंने कहा भी था ये 16 तारीखों को इस देश का, आज काड़ू भाई, आज मांडर जी काड़ू भाई बहुत गुस्से में, आज उनकी जो तस्वीर आई है सामने बहुत गुस्से में। एक बात बताओ, मेरी माता रानी मुझे कितना प्यार करती ना, मुझे अपनी माता रानी के लिए उनकी परीक्षा लेने की जरूरत नहीं। देखिए हमारे यहाँ काली माता का मंदिर है, आज मैं वहाँ गई, देखिए माता रानी ने मुझे अपने हाथों में पहनी हुई लाल चूड़ियाँ मुझे दी। ऐसे कामाख्या में भी हुआ था, मैंने आपको बताया था, कुंकू दे दिया था मुझे। मेरी माँ मेरे मन की बात मुझसे पहले जानती हैं, और आप लोग फिर वही गलती करते हो। जब हम काड़ू भाई जाते हैं कहते हैं हम लोगों के भले के लिए कर रहे हैं, यहाँ ब्लास्ट होने वाला है, डेली मुंबई पुणे हाईवे पे एक्सीडेंट हो रहा है, उस एक्सीडेंट को रोकने के लिए वहाँ बंदिश करने जा रहे हैं, लेकिन तो भी तुम्हारी गांड में सुलेमानी रहमानी कीड़े हैं। कितने रंडी भोसड़ी लोग, छिनाल लोग, जिसको सिर्फ लोगों के साथ सोना आता है, त्रिया चरित्र आता है, वो और कर क्या सकती हैं, है ना? तुम लोगों की औकात ही वही है, तुम लोग देश के लिए किसी के लिए थोड़ी कुछ कर सकते हो, किसी का भला होते थोड़ी देख सकते हो। तो अभी बात कैसे है ना, किसी और को नहीं, मैंने कहा भी था 30 अगस्त तक तुमको लकवा मारेगा। तो ये जितने लोगों ने भी मेरे, तुम्हारे घर में किसी को नहीं पड़ गया, मैं सोचो तुम्हारे बेटे को, तुम्हारे पति को, नहीं तुमको ही फिलहाल, तो जिसके लिए बात हो रही उसको तो पति भी नहीं है। ये लोग है ना एकदम नीच, मतलब कहते हैं नीच लोगों के जैसे, इन लोगों का ऐसा है कि हमको खाने मिलेगा तो हम खाएंगे, दूसरों को नहीं खाने देंगे। तो चलो कोई बात नहीं, इस 16 तारीख को अगर विद्या देवी ने तुमको तुम्हारी औकात नहीं दिखाई, मैं नहीं दिखाऊंगी, मेरी मांडर जी काड़ू भाई दिखाएंगी। आपको नहीं पता है मैं काड़ू भाई जाती हूँ ना तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती, वहाँ बैठ के 1.25 लाख हमेशा मेरा आदत है, 1.25 लाख जप करती हूँ। आपको पता है जप में कितनी ताकत होती है, देख लिया ना, यहाँ पे कोई सत्ता बदल दी। किसी ने तो कहा हमें कि देखिए मैं सबसे पहले काम की बात करती हूँ, अगर इंसान कौवा कान लेके गया कौवे के पीछे भागेगा तो बसता रहेगा। आज की तारीख में सुल्तान जी लेके जिनको फायदा हुआ हुआ है, जितने लोगों को नहीं हुआ, जिनको नहीं मिला, उनकी गलती का नतीजा है। जब वो हमसे कांटेक्ट नहीं रखेंगे, बात नहीं करेंगे, वो सोचेंगे कि हमको और करना पड़ेगा करना, आप हमको लाखों देने में रोते, हम आपको करोड़ दे रहे, वो मतलब हमारी पागलपंती है ना। आप हमको 2 लाख दे रहे हो, हम आपको 25 लाख दे रहे हो, तो हम पागल हैं, सही बात है कि नहीं? अच्छी बात है, मतलब हम दे तो पागल, आप दे तो होशियार। ये बात तो उनको देखो, जिनको सच में अपना कर्जा चुकाना है, घर का वो करना है, वो जरूर एक काम करेगा, नहीं तो जिसकी मर्जी जो, हमारे पास से तो धोखा नहीं मिलेगा। दूसरा तालों का काम, एक लेडीज ने कल तालों का काम करा के मुझे कहती है कि आपके पास इतनी शक्ति, आप हम पे भरोसा नहीं कर सकते। मैंने उसको और फिर हम आप पे भरोसा क्यों करें, मत करो। दुकान वाला कोई मेरा बॉयफ्रेंड तो है नहीं कि मुझे फ्री में सामान देगा,
मुझे तो सामान लेना पड़ता है। इधर क्या, मैं मंदिर में जाती हूँ तो मंदिर में मुझे बैठना पड़ता है, जहाँ मैं बैठ के जाप करती हूँ वो होटल का पैसा देना पड़ता है। सब मुझे फ्री में देंगे क्या? मैं जाके कोई अपने पर एक रुपया फालतू खर्च नहीं करती, आपकी चीज़ें आप तक करती हूँ। लेकिन आज मैंने एक काम जरूर बोला है मेरी काड़ू भाई को कि माँ मैं इन लोगों के लिए गलत नहीं करती, अगर मैं इन लोगों के लिए गलत करूँ ना तो दोबारा मुझे कल का सूरज मुझे मत दिखाना। मैं खुद बोल रही हूँ, अगर मैंने आपको लगता है कि अगर मैंने इन लोगों के साथ गलत किया और मैंने इन लोगों के लिए आपके पास कोई मेहनत नहीं की, कल का सूरज मुझे मत दिखाना, मुझे मार देना। लेकिन अगर इन लोगों ने जो बार बार मेरे रास्ते में आने की कोशिश करे, माँ इनको कहीं का मत छोड़ना। अगर मैं सच्चे दिल से, तू मेरी माँ है और मैंने दिल से तुझे माँ माना है, तो जितने लोगों ने इस तरह से इग्नोर किया है, बातों को वो किया ना, माँ अगर मेरी सच्ची थोड़ी सी भी एक दिन की भी पूजा सच्ची होगी ना, तो इस 16 तारीख तक इन सबको इनकी औकात दिखाना, इनको लकवा मारना, इनको खुद को लकवा मारना। जब मुंह से थूक गिरेगा ना साइड से, तब इनको पता चलेगा कौन तुम्हारा बेटा बाप भाई पति तुमको संभालने आता है वो देखती हूँ मैं, कौन तुम्हारी सेवा करता है, कौन तुम्हें देखता है। अरे हमारा हाथ पैर सलामत है ना तो हमें सब पूछेंगे, अगर हम लूले लंगड़े हो या माँ बाप बूढ़े हो जाते तो वृद्धा आश्रम में फेंक के आते हैं, तुम्हारी जवानी पे कौन थूकेगा जब तुमको लकवा मार देगा तो। ऐसी बात है, देखो मैं क्या करती हूँ, मैं ना बहुत अच्छे के लिए बहुत अच्छी और बेकार के लिए महाकाल का रूप हूँ, ये बात पक्की है। आप देखो मैं नज़र से, मैं बोल रही हूँ जो मेरी आंखों में देख के अपना मन भी विश मांगा है तो वो सुल्तान जिन से मांग रहा था। अभी किसी ने तो कहा ये राजनीति में खेल चलता है, ये एक दूसरे के नाम पे कमेंट मारते हैं। कल हमारे सुषमा अंधारे जी से भी एक जन ने बात की थी। आप लोगों को क्या लगता है, आप एक दूसरे, आप खुद सबका नाम लेते और हम लोगों को भी उकसाते हैं कि हम नाम लें, हम क्यों नाम लें? समझने वाले को इशारा काफी है, जो समझते समझते, हम क्यों नाम लें? हाँ हमको कह, हमको कहा जाता है तुम्हारे ठाकरेगढ़ में दम नहीं है कि हमारा नाम लिख सके। नहीं, हमको अपना ना किसी का नाम लेके अपना मुंह गंदा करना ही नहीं है। हम ऐसे नीचे गिरे हुए लोगों का नाम ही नहीं लेते क्योंकि हम लोगों को शौक ही नहीं है नाम लेने का, क्योंकि हमने देख लिया जिसको नीचे गिराना था वो गिर चुके हैं। अब वो जबरदस्ती अगर कहते हैं ना, एक होते बेशरम लोग, जैसे घर में एक मेहमान आ जाता है उसको अगर हम दो तीन बार बोलेंगे घर से जाओ जाओ और नहीं जाना चाहता तो क्या कर सकते, बेशरम इंसान को कुछ नहीं कर सकते। अब जैसे आज हमारे राघव चड्ढा जी बेचारे सांसद हैं, मतलब विधानसभा में सांसद है, वो गलत के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उनको क्या पता सच बोलना बुरा हो जाता है। आज की तारीख में कहते हैं जिसकी सरकार चल रही है उनके सामने सच बोलेंगे तो ऐसी होगा, तो भाई मेरे टेंशन मत लो, विद्या देवी जब अपने बाला साहब ठाकरे के लिए लड़ सकती तो आपके लिए भी लड़ सकती हैं, तो आप बेफिक्र रहिएगा। यही सांसद ने आपको सस्पेंड किया है, यही सांसद आपको 16 तारीख तक वापस लेगा, ये विद्या देवी का वादा है आपको। और देख लीजिएगा, ये देखो इन लोगों को जो ना कहते हैं खेल खेलना है खेलने दो, जो नौटंकी करना है करने दो, विधानसभा को गुंडे का अड्डा बना दिया, ये चुप रहे चुपचाप बैठ रहे ऐसा सब बातें करते हैं। तो चिंता मत कीजिए, इनकी चिंताएं हम दूर करेंगे। 2024 में तो हमारे राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, ये लिख के लीजिएगा, और कोई नहीं आएगा, ये मेरा वादा है सबसे। और यहाँ हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो जीत होगी बड़े डंके की चोट पे होगी। और मैं जो काड़ूबाई जा रही हूँ पुणे मुंबई हाईवे पे, जो बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं उस चीज़ को रोकने के लिए उस बंदिश को करने जा रही हूँ। और अगर उस बंदिश को करने से लाखों लोगों की मौत होने से बचते हैं, और उसको रोकने के लिए अगर जो कोई पूजा कर रहा है तो उनसे बड़ा गिरा हुआ इंसान कोई नहीं है। तो मुंबई से लेके पुणे तक, पुणे नहीं सातारा तक, जो मुझे दिल से मानते हैं, जो भी संगीता जगताप या जो भी मुझे दिल से मानते हैं, कुछ नहीं करिएगा। आज रात को एक इत्र की बोतल लीजिएगा, आपके पाँच दस रुपए की इत्र की बोतल कहीं भी दुकान में मिलती है, पाँच इत्र की बोतल लीजिएगा और पांच अगरबत्ती लीजिएगा, बस इतना ही कीजिएगा। और हो सके तो 10 रुपए का मिठाई, नहीं तो रामदाना हो तो शक्कर लेके आप सिर्फ किसी पेड़ के नीचे वो अगरबत्ती लगा के आप रख दीजिएगा, और सुल्तान जी इनको बोलेगा जो हमारी माँ का रास्ता रोके आप उसको रास्ते लगा दीजिए, जो हमारी माँ का रास्ता रोके उसको आप रास्ते लगा दीजिए, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो चाहे किन्नर हो चाहे कोई भी हो जो भी हो उसको आप रास्ते लगा दीजिए। और एक और बात बता देती हूँ मैं कि देखिए कोई भी जब भी किसी का नाम लूँ तो अपने पर लिया मित कीजिए, क्योंकि मेरे पीछे बहुत सारे लोग पड़े रहते हैं, बहुत सारे लोग दुश्मन हैं, तो जो भी हैं उनको आप अपने रास्ते लगाइए, इतना करके आप इत्र डाल दीजिए, बाकी का काम देखेंगे। क्योंकि मुंबई पुणे के बीच में एक दरगाह आती है, वो दरगाह मायने रखती है, हाईवे पे ही रहती है, तो मैं चाहती हूँ कि ये जरा आप कीजिए मेरे लिए, कि मेरे लिए रास्ता जो रोकने की कोशिश करे उनके रास्ते वो लग सकें, समझ में आया? ठीक है। और
जिन लोगों को भी मेरी बात बुरी लगती है उनके लिए सबसे पहले सॉरी। एक बात और, मैं अपनी अन्नू जी को मैसेज पहुंचाऊंगी कि अन्नू जी मैंने कितनी बार अपने यूट्यूब पे किन्नर किन्नर कहा है, तो प्लीज़ आप अपने पर मत लीजिए, दूसरों के का चढ़ाने पे आप बिल्कुल मत आइए, क्योंकि मुझे पता है कि आपको कोई कान में भर देता है कि मैं आपके लिए क्यों बोलूँगी, आप मेरी बहन हो, मैं किन्नर बहुत हैं, आपको क्या लगता है, आपको पता नहीं है क्या पिछले कितने लोगों मेरे पीछे पड़े थे, कितने लोगों को आप, कितने लोग आपके ज़रिए भी मिले हैं जिन लोगों से मैं बातचीत नहीं करती, दुश्मनी तो बहुत है। तो ये जो होता है ना, ये एक शब्द होता है, मैंने एक शब्द बोला है, जैसे होता है ना आदमी औरत जानवर किन्नर, ऐसे ये शब्द में पांच तत्वों में जो आते हैं वो शब्द बोला जाता है। तो बिल्कुल प्लीज़ आप अपने ऊपर मत लीजिए, कोई अगर आपको चढ़ाता है तो फिर वो आपकी मर्जी, क्योंकि हमने आपको बोला नहीं, इसलिए मैं यूट्यूब पर क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो जब बनती तो बहुत सारे लोग गलत ले लेते हैं। तो बस मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये कि जो लोग गलत कर रहे हैं उनको गलत मिलेगा, अगर आप गलत नहीं हो तो आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हमारे राघव चड्ढा जी के लिए एक बात बोलूंगी कि आपकी ये बहन यहाँ बैठी है, गलत का आप गलत लोगों का नाम ले लिए ना, गलत लोगों पे वार और पीछे से किया जाता है, इन लोगों का नाम लेंगे तो अभी इस वक्त इनकी सरकार सबकी चल रही है, तो ये सीधी बात है आपको सस्पेंड तो करेंगे ना, कोई बात नहीं है, नाचना है आंगन टेढ़ा, बहुत जल्दी पब्लिक इन सबको आईना दिखाएगी, थोड़ा सा वेट कीजिए बस, जो होने वाला है बहुत धमाकेदार और बहुत बड़ा होगा, क्योंकि हम तो इस वक्त सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें नहीं पता कौन गलत है कौन सही है, लेकिन हमें ये पता है कि मेरा सुल्तान मुझे मेरी मांडरची काड़ूबाई इस वक्त जो इंसाफ देने वाली है वो बहुत बड़ा देने वाली है, इस 16 अगस्त के बाद सब कुछ बदल चुका होगा, और 30 अगस्त तक तो कहा ही है, 30 अगस्त का वेट तो करो, देखो तो मज़ा क्या होता है। जय माता दी।